प्रेम के तीन दुश्मन को समझ लो। प्रेम का आउटपुट क्या है वो फिर बात करूंगा, सबसे पहले प्रेम के दुश्मन को समझ लो। मैं बताऊं, युद्ध के मैदान में जाने वाला सेनाधिपति कभी अपनी ताकत को पहले नहीं समझ पाता है, पहले दुश्मन की ताकत को समझ लेता है। कहाँ वो ताकत वाला है समझ लेता है, फिर वो अपनी प्लानिंग बनाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, चाहे तुमने मेरे से प्रेम किया, मैंने गुरुदेव से प्रेम किया, मैंने किसी से भी प्रेम किया, और यदि प्रेम मेरा एकदम क्लाइमेक्स पे चले जाए, इसके लिए प्रेम के तीन अंदर के दुश्मन है। नंबर वन इज द डाउट। जिस पर भी तुमने राग किया वहां तो डाउट ठीक है, ठीक है, तुम पोस्टमार्टम एनालिसिस सब कुछ करते रहेंगे, मगर जहां तुमने प्रेम किया वो डाउट प्रेम को खा जाएगा कभी ना कभी, कभी ना कभी। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, क्या होता क्या है डाउट, क्या होता है डाउट? चलने देता है, पहुंचने नहीं देता है। डाउट की मानसिकता मैं आपको बताना चाह रहा हूं, डाउट क्या कर सकता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, एक लॉजिकली आपको बताऊं, मैं अभी बोरीवली में हूं, मे बी पॉसिबल चातुर्मास के बाद मुझे बंबई जाना हो, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं होता क्या है। मैं बोरीवली से बिहार करके निकला और कोई है नहीं मेरे साथ, रास्ता में साइन बोर्ड नहीं है, और मुझे लगता है कि ये कांदीवली रोड जाता होगा। मैं जो कहना चाहता हूँ बराबर गंभीरता से सुन लेना, मैं समझता हूँ रोड कांदीवली जाता होगा, मानी दिशा यही है, दक्षिण दिशा में बम्बई है तो दिशा वही है। मैं चलता भी हूँ मगर चलने में दम नहीं है, मन में कहीं कोने में डाउट है, यदि नहीं होगा तो कांदीवली। तो कोई मुझे पूछ सकता है गुरुदेव चलते क्यों हो, तो लगता है कि है तो दक्षिण दिशा, फिर कदम धीरे क्यों है, क्योंकि मन में डाउट है। एक व्यक्ति को जब मैंने पूछ लिया कि ये रास्ता कांदीवली जाता है, वो बोलेगा हाँ कांदीवली ही जाता है, फिर पैर में ताकत बन जाएगी। मैं जो कहना चाहता हूँ तुम समझो, डाउट के साथ संबंध बना तो रहेगा, संबंध की ताकत नहीं बनी रहेगी। रास्ते पे मुझे डाउट है तब तक मैं चलते रहूँगा, मगर पैर में जो ताकत बननी चाहिए वो ताकत बन जाएगी। एक्स फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोल दिया कि 1,00,000 रुपया तुम कल लेके आना, और यदि आपका मेरे पर प्रेम नहीं हो डाउट बन गया, तो फिर से मैं रिपीट करूँ, लाख तुम लाए भी गए, लाएंगे पक्का। तुमने बोल दिया गुरुदेव लाऊंगा, निश्चित तौर से लाऊंगा, मगर आपके मन में यदि मेरी नीयत पर शंका है, तो लाख देने के बाद भी आपको लगेगा गुरुदेव ने पूछा भी नहीं भाव है कि नहीं, लाख मंगवा दिया, कहाँ रखेंगे, किसको देंगे, ये बहुत कुछ आपके मन में डाउट रहेगा। माने होगा क्या, लाख का दान तो तुम करेंगे, मगर दान का जो आनंद आपको आना चाहिए वो 100% आनंद आएगा, आनंद तब आएगा डाउट नहीं होगा। तो प्रेम के रास्ते में सबसे भयंकर पाप शंका न को विष घुटमा दीर्घ प्रेम मरे लाजिया। शंका न शिष्य का गुरु के प्रति, बेटी के माँ की बेटी के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, हर जगह जहाँ भी डाउट आया वहाँ प्रेम की हत्या 100% होगी। मैं रिपीट करूँगा, संपर्क रहेगा, सहवास रहेगा, सानिध्य रहेगा, संबंध ही बनेगा। प्रेम के सबसे एक नंबर का दुश्मन है शंका माने डाउट, सेकंड नंबर का दुश्मन है जेलसी। होगा ही होगा। कल मैंने शाम को मुनि भगवान की वाचना में एक बात बताई थी, प्रेम के आसमान में दो पंखे हमेशा होते हैं, डाउट का और ईर्ष्या का। प्रेम के आसमान में दो पंखे हमेशा के लिए घूमते रहते हैं, डाउट का और ईर्ष्या का, डाउट और जेलसी। अंदर धीरे 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 मन में एक जेलसी बनी रहेगी, मेरे से आपका लगाव उन पर क्यों ज्यादा है, बस ये बात बनती रहेगी। और मैं बताऊं, अब ये मानो जेलसी व्यक्ति पे रहेगी वो भी छोड़ दो, जेलसी जड़ पदार्थ पे भी रहती। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी मानसिकता में मजाक के मूड में नहीं हूँ, मगर इतना बताऊँ, पत्नी और पति दोनों आमने सामने होते हैं ना, तब मे बी पॉसिबल पत्नी ने यदि पति ने पत्नी के सामने न देख करके यदि न्यूज़पेपर पढ़ना ही चालू रखा, तो मे बी पॉसिबल पत्नी को न्यूज़पेपर पे भी जेलसी हो सकती है। आप ये मत मानो कि जेलसी व्यक्ति पर ही होती है,
अपने को टॉप प्रायोरिटी पे न रखने के किसी और को टॉप प्रायोरिटी पे रखना, वो है जलसी का काम। मैं आपके सामने बैठी हूँ और मेरे साथ बात न करके अपने पेपर के साथ, इतना पेपर को आपने समय दिया, मुझे क्यों समय नहीं दिया? बस ये है जलसी, जलसी आग लगा देती है संबंध में। आप अपने आपके प्रेम को चेक कर लेना, बहुत 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 डिफिकल्ट है और अध्यात्म जगत में तुम पहुँचे नहीं। बाकी मैं कहना चाहता हूँ, छठे गुण स्थानक पर हिंसा हो सकती है, ईर्ष्या पहले गुण स्थानक पर लेके जाती है। तुम सोच सकते हो मुनि जीवन में भी कभी कभी अनजाने में भी हिंसा हो सकती है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हिंसा बिना द्वेष की हो सकती है, मगर ईर्ष्या बिना द्वेष की कभी नहीं हो सकती है, नेवर। आप अपने आप को चेक करना, जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम है उनकी ईर्ष्या में भी पॉसिबल। तुम गए, तुमको नंबर दो पे रखा और किसको नंबर एक पे रखा और आपको ईर्ष्या गई। मैं गुरुदेव के पीछे इतने रुपये का खर्च करने वाला, मैं गुरुदेव का इतना नज़दीक और मेरा तो गुरुदेव ने नाम भी नहीं लिया, मेरे सामने गुरुदेव ने देखा भी नहीं, आधा घंटा बैठा गुरुदेव ने मेरे सामने नहीं देखा, मुझे इग्नोर कर दिया। ये सब मैं रिपीट करना चाहूँगा, फर्क गुरुदेव को नहीं पड़ेगा। और कई बार मैंने बता दिया, आज फिर भी बता दूं, ईर्ष्या वो मोमबत्ती है। रिपीट, ईर्ष्या वो मोमबत्ती है। मोमबत्ती का प्रकाश जिस दीवार पे जाता है वो दीवार छोटी नहीं होती है, मोमबत्ती प्रतिदिन छोटी होती जा रही है। आपकी जिसके प्रति ईर्ष्या है वो कभी छोटा नहीं होगा, तुम रोज रोज छोटे होते जाएंगे। किसी के प्रति जेलसी करना तो सोच के करना, और तुम्हारी तो पेपर में ऐड आती है ना ऐड, और ऐड भी आपकी ईर्ष्या को केंद्र में रख के आती है। आपके बाजू वाला जल जाएगा देख के, ऐसा टीवी हम देते हैं, आपने देखा होगा ऐड आती है ऐसी। आपको टीवी अच्छा लगेगा नहीं, आपके बाजू वाला इस टीवी को देख के जल जाएगा, ऐसा टीवी है मेरे पास है। माने वही शिक्षा आपको देने का प्रयास छोटी उम्र से ये चलता है। मैं आगे चलूँगा, प्रेम की प्यास माने सहन शक्ति की मानसिकता। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं टिक गया ना गुरुदेव के प्रति, इतने साल तक मैं प्रेम करने में टिक गया ना। उनका सबसे बड़ी ताकत, मैं खुद की भी कभी पीठ थपथपाता हूँ कि अच्छा हुआ तू सहन कर पाया। मैं खुद की पीठ कभी थपथपा पाता हूँ, अकेले बैठता हूँ तब लगता है कि भगवान आपकी परम कृपा की, इस व्यक्ति की, गुरुदेव की, जो उनकी ओर से जो भी दिक्कत आई सब कुछ सहन करने की क्षमता आ चुकी। यदि मैं एग्रेसिव बन जाता, नुकसान गुरुदेव को कुछ नहीं होता, मैं बड़ी नुकसानी में उतर जाता। आज भी मैं गुरुदेव से मांगता हूँ, आप जिस भी जन्म में मिलो, मगर आप मिलने के पहले सहन करने की ताकत मिले मुझे। आप आपके 4 साल के बेटे को मार नहीं सकते हो, और स्कूल में कानून बन गया, कोई भी टीचर बेटे के सामने हाथ नहीं उठाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ, ऑन द एज ऑफ 28 गुरुदेव ने मुझे मारा है। तुम सोच सकते हो 28 साल की उम्र में गुरुदेव का चाटा खाना? जहाँ 4 साल के बेटे को मार दो तो शायद बेटा बाप के सामने आ जाए, या तो बेटा भाग जाए या तो सुसाइड कर दे, ऐसा माहौल आपके घर का बन गया, स्कूल का बन गया। ऐसे माहौल के बीच में मैं लक्की हूँ कि 28 साल की उम्र में मैं मार खा पाया नहीं, गुरुदेव मुझे मार सके। कितना भरोसा होगा कि इस उम्र में, और वो भी वो टाइम 4,000 लोग रविवार के प्रवचन में आते थे, वो टाइम की बात करना चाहता हूँ। गुरुदेव के पास जाना बंद क्यों कर दिया? गुरुदेव मेरा भाव नहीं पूछते, ये मानसिकता आपके मन में कभी भी आ गई तो तुम चुक गए, गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिपीट करना चाहता हूँ, सहन शक्ति, ये ताकत आपके पास। प्रेम करने की तैयारी हो तो ये पहले पक्का करना, प्रेम के पहले पेन मांग लेना। जिसने पेन को प्रेम नहीं किया वो किसी को प्रेम नहीं कर पाएगा। रिपीट, ये नोट डाउन कर लो, जिसने पेन को प्रेम नहीं किया वो किसी को प्रेम नहीं कर पाएगा, न पत्नी को, न बेटे को, न माँ को, न बाप को, न किसी को, न गुरु को, न भगवान को, न समय को, न प्रतिक्रमण को, न एकासना को, न अंबिल को।
आमिल करने के लिए भी पेन को प्रेम करना पड़ेगा, नौकरशी करने के लिए भी पेन को प्रेम करना पड़ेगा, चौबियार करने के लिए भी पेन को प्रेम करना पड़ेगा, और एक रुपये का दान देने के लिए भी तो प्रेम को पेन करना पड़ेगा। आप ये बोलते कि सरल, और इसके लिए तुमने कभी नहीं सोचा होगा हमारे वहां चार अनुष्ठान में पहला अनुष्ठान प्रेम का लिखा है, प्रीति अनुष्ठान। परमात्मा की भक्ति बाद में करना, पहले प्रेम तो करके दिखाओ। और यहां से मैं आपको बात करना चाहता हूं, प्लीज प्रेम यदि तुमने किसी को भी किया है डाउट क्लियर कर देना। और मैं एक जगह कहता हूं, शायद आपकी मानसिकता संबंध की क्या हो वो मैं नहीं समझ पाता हूं, मगर मैंने खुद के मेरे लिए एक व्यवस्था बनाई है। मैं गुरुदेव के पास था तब भी किया, और गुरुदेव की तो बात नहीं करना चाहता मगर सबको मैं कहना चाहता हूं और आपको भी कहना चाहता हूं, आपकी गलती कोई दूसरे को बतावे वो पता आपको चल जाए, रिपीट, आपकी किसी गलती की बात कोई दूसरा दूसरे को करे आपको पता चल जाए, यदि आपकी हिम्मत हो उनके पास जाके बोल देना मेरी गलती मुझे ही कहो दोस्त, मुझे सुधरना है, उनको क्यों कहते हैं सुधरना, मुझे तो गलती मेरी है तो मुझे बताओ ना, दूसरे को क्यों बताते हो। यदि इतना तुम्हारे पास ताकत आ जाएगी तो बहुत कुछ प्रेम आपका बना रहेगा। नंबर दो, प्रेम डाउट में नहीं मानता है, प्रेम का एक नंबर का दुश्मन डाउट, नंबर दो जेलसी, नंबर तीन रिवेंज। आप यदि मानते हो मैं कभी दिखा दूंगा, 4 साल के पहले आपकी पत्नी ने आपको कुछ कहा होगा वही तुम स्टोरेज करके बैठे, मौका आने दे, भले ही पत्नी रही तुम्हारी मगर मौका आया तो 4 साल पहले की बात भी तुमने वो टाइम याद करा दी। आप भले मामूली मानो, ये बहुत भयंकर मानसिकता है आपके, और पत्नी में भी पॉसिबल 4 साल के बाद आपके प्रश्न का जवाब तो दे पाएगी मगर आपके जाने के बाद उसको मन में लगेगा 4 साल तक मेरी गलती को सेव करके बैठे थे। 4 साल, 4 दिन हम कांटे को सेव नहीं करते, 4 दिन यदि आंख में कोई तिनका घुस गया हम सहन नहीं कर पाते, और 4 साल तक जिनके साथ हमारा रिलेशन था उनकी गलती को हम सेव करके बैठे, मौका ही देखते थे कब उनको सुना दूं, मौका आया और तुमने सुना दिया, बात खत्म हो गई। आप प्रेम करना चाहते हो, एक काम करेंगे आप एक एक प्रयोग करके देना, आपका जिसके प्रति प्रेम है संसार में, पत्नी के प्रति, बेटे के प्रति, एक काम करो, प्रयोग तो करो, उनकी किसी भी गलती के लिए तुम डांटो ना तो वो ही गलती की याद करना, उसके पहले की कोई भी गलती याद मत कराना, प्रयोग तो करो, तुमसे पता चलेगा कि ये भी कितना डिफिकल्ट है। मैं जो कहता हूँ ये भी साधना है, आप जिस गलती को लेकर के अभी डांटने की शुरुआत की बस ओनली दैट मिस्टेक नॉट एनी और, आप क्या बोलते हो मालूम है कि चाय तूने बराबर नहीं बनाई बस इतना बोल देना था काफी था, मगर तुमने बहुत कुछ आगे, कोई भी चीज तेरी बराबर बनती नहीं, वो टाइम तूने ये भी नहीं बराबर बनाई, ये कहाँ ये मौका कहाँ आया। एक गलती की याद कराना है, उसके पहले 5 साल की हर गलती को तुम रिपीट कर देते हो, ये संबंध नहीं है, मैं रिपीट करना चाहता हूं, खत्म हो जाएंगे। अपना ते जीवतरनी नानेरी अंजलि मां, अपना ते जीवतरनी नानेरी अंजलि मां, अमृतना थाने के हड़ाहड़ ना घोड़िए। अपना ते जीवतरनी नानेरी अंजलि मां, नानेरी अंजलि बहुत छोटा सा है, अमृत पी लो प्रेम का, हड़ाहड़ माने जहर। अपना ते जीवतरनी नानेरी अंजलि मां, अमृतना थाने के हड़ाहड़ ना घोड़िए। प्रेम का अमृत ले लो, इतनी छोटी सी जिंदगी कभी खत्म हो जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल, रात को सोए सुबह उठेंगे नहीं वो भी तो पता नहीं है, और उसमें इतना जहर दिमाग में रख करके बैठा है।